ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता एक बार फिर गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं पर लगातार हो रहे अपराधों को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की इस सरकार का सबसे बड़ा मसला कानून व्यवस्था का है। सतीश पूनिया ने कहा, राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता था, लेकिन कांग्रेस शासन में पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हुई है वह चौंकाने वाली और तकलीफ देने वाली है। पूनिया ने आगे कहा कि करौली जिले में जो घटना हुई वह समाज के ऊपर तो कलंक है ही, लेकिन राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। बच्ची के साथ गैंगरेप होना, उसके बाद उसे एसिड से जलाया जाना और उसके बाद कुएं में डाल देना। पार्टी के नेता वहां धरने पर है और लगातार वह अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से यह साफ है कि अपराधियों की एक के बाद एक फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, जो राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सतीश पूनिया ने अपने बयान में आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। आमजन से लेकर बहन बेटियां कोई भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूती और महिला सुरक्षा प्राथमिकता होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।